आज भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जब 5:47 से स्टार्ट होकर 6:04 में हमारा चंद्रयान 3 चांद के सतह पर लैंड करेगा। ये बहुत ही रोमांचक पल होगा हम सारे लोगों के लिए, और हमारे आज एमएम के हाई स्कूल के सभी बच्चों ने दुआएं की हैं कि हाँ जो चंद्रयान 3 है वो अच्छे से लैंड करे और अच्छे से सतह तक पहुंचे और बिल्कुल वहां से खींचे हुए तस्वीर को हमारे तक जो है वो चंद्रयान भेजे। हम लोगों को पहले चंद्रयान 2 में जो असफलता मिली है 2019 में, हम लोगों काफ़ी मायूस थे, लेकिन हम लोग इसरो का धन्यवाद देना चाहेंगे और वहाँ के साइंटिस्ट लोगों का जिन्होंने इस प्रयास को असफल नहीं माना बल्कि सफल माना और फिर से पुनः जो है इस कार्यक्रम को संचालित करके चंद्रयान 3 को आज हम लोगों के 23 तारीख 6:04 में पटल पर उतारने की पूरी कोशिश करेंगे हमारे वैज्ञानिक इसरो के, और उनके लिए और पूरे दुनिया की तरफ से इसको शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा। दूसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे देश में के अलावा विश्व के कई देश भी हैं इस चीज़ को बहुत ही इस पल को देखना चाह रहे हैं, क्योंकि आज से 2-4 दिन पहले ही ऐसा हुआ कि रशिया का जो मिशन मून जो था वो उसका क्रैश कर गया और वो सफल लैंडिंग नहीं हो पाया, लेकिन जैसे हमारा सफल लैंडिंग होगा और रोवर जब बाहर निकलेगा लैंडर से और उसके बाद जिस तरीके से तस्वीर हमारे बीच में आएगा तो हम लोग सच में बहुत ही रोमांचित और गौरवित महसूस करेंगे कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार सफलता हासिल की और बिल्कुल वो साबित कर दिखाया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि ये जो लैंडिंग हो रहा है विश्व में पहला लैंडिंग है जो दक्षिणी ध्रुव, चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग होगा और वो बिल्कुल यूनिक होगा। इससे पहले चाइना ने 4 साल पहले उतारा था वहाँ पर अपना लैंडर, लेकिन ये हमारे देश के लिए और ये विश्व का चौथा देश बनेगा जो चांद पे अपने लैंडर को पहुंचाने वाला होगा। हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं वे दुआएं करें, क्योंकि अभी से कुछ घंटों के बाद जो है लैंडर हमारे चांद के सतह पे पहुंचकर वो बिल्कुल रोवर के थ्रू वो पूरे पिक्चर को हम सारे लोगों को दिखाएगा। मैं पुनः सारे लोगों को एमएम के हाई स्कूल परिवार की ओर से इसरो के सारे वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस प्रयास को सफलतापूर्वक करने का प्रयास किया, और बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है कि ये जो लैंडर है और रोवर सक्सेसफुली हमारे चांद के सतह पर जाकर काम करेगा। धन्यवाद।